ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तो कितना सहज परिचय देते हैं ना, ये तो बहुत लंबा है, बहुत सहज परिचय है अपने अनादि स्वरूप का और फिर आदि स्वरूप का। और बाबा का परिचय न केवल मेरा परिचय है परंतु हम सभी का एक ही परिचय है, राइट। ये तो बाबा ने ड्रामानुसार जिस आत्मा को जो पार्ट बजाना होता है उस अनुसार थोड़ा सा लौकिक क्वालिफिकेशंस भी जरूरी होती हैं। ग्यारह वर्ष की आयु में मैंने पहले पहले अपने सभी दादियों को दिल्ली में देखा। उस समय दादी गुलजार लखनऊ में होती थी, उसके थोड़े समय के बाद फिर बाद में उनका दिल्ली में आना हुआ क्योंकि मेरे लौकिक परिवार में मेरी एक मौसी और उसके युगल 1937 से समर्पित थे। तो जब पार्टीशन हुआ तो बाबा ने सबको कहा सेवा के लिए जाओ, तो उनको हमारी भी एड्रेस मिली हमारे लौकिक नाना जी की, तो उन्होंने हमारे पास आना शुरू किया हमारे लौकिक घर में। तब मैं 11 वर्ष की थी, तो हमें तो मालूम नहीं था कि उनकी जीवन इस समय पर बहुत ही साधारण जीवन, एक तो सिंप्लिसिटी होती है, लेकिन उस समय पर बहुत कम सुविधाएं थी उनके पास। तो वो आते थे कि कोई मकान चाहिए, सेवा शुरू करनी है, ऐसे इस तरह से उनका आना होता था। और लौकिक परिवार में सभी गवर्नमेंट में थे तो काफी पहचान होती है, तो जो सहयोग उनको चाहिए होता था वो सहयोग देते थे। इस तरह से मेरा बचपन से ही ऐसा कहे ईश्वरी परिवार, यज्ञ और बाबा मामा उनके साथ ही बड़ी हुई मैं। लेकिन प्रॉपर स्टडी करना वो मैंने 62 में शुरू किया, 58 में। तो बाबा मुझे इंग्लिश बोलने वाली बच्चियां चाहिए, मुझे ऐसी बच्चियां चाहिए, इस तरह से बाबा जैसे पढ़ाई पढ़ते रहो। तो इस तरह से और 5-6 साल गुजरे, लेकिन सेवा का आरंभ था दिल्ली में। तो प्रोग्राम बनते थे, प्रदर्शनी लगती थी, तो शुरू से लेकर जगदीश भाई ने भी, जगदीश भाई की ही हम लोग जैसे जो ट्रेनिंग होती थी वीआईपीस को कैसे मिलना है, फिर क्या बात करनी है, लेक्चर्स कैसे करनी है, तो जगदीश भाई हम सभी को ये सब उनके निर्देशन में हम लोगों ने सीखा। दादी गुलजार जी में से उस समय हम लोग गुलजार बहन कहते थे, राइट। आप सबको मालूम होगा कि बहुत बाद में हम सभी ने दादी गुलजार कहना शुरू किया क्योंकि उनसे बड़ी दादी थी। तो उनके जीवन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं और उनके जीवन का, उनके जीवन कहानी में जो उनका आरंभ था जब हम उनको गुलजार बहन कहते थे, तब भी उनकी अलौकिकता और उनकी विशेषताएं
सबसे भिन्न होती थी उनका व्यक्तित्व पर्सनैलिटी। जैसे कहते हैं ना कि आप सामने आओ, देखते रहो और देखते ही रहो, ये गीत भी है ना, तुझे देखता ही रहो। ऐसा उनका शुरू से ही एक अलौकिकता थी, क्योंकि आपको मालूम है उनका ट्रांस में जब जाना शुरू हुआ, उनको बाबा बहुत बहुत दृश्य दिखाते थे। तो ब्रह्मा बाबा को आप सबको भी अनुभव होगा कि त्रिकालदर्शी बाबा उनके द्वारा हमारे आदि मध्य अंत ब्राह्मण जीवन को अच्छी तरह जानते थे। ये मुझे पहले दिन बाबा ब्रह्मा बाबा से जब मिली तो जो शब्द उन्होंने उच्चारण किए उस समय इतनी समझ नहीं थी, पर आज मैं सोचती हूँ कि उनको हमारी ब्राह्मण जीवन का आदि मध्य अंत का पाठ स्थापना में क्या है उनको मालूम था। तो दादी गुलजार जी के बारे में भी ब्रह्मा बाबा उनको कहते थे आपके नेत्रों से बहुत सेवा होगी। और दादी गुलजार की आपने अपने मुख से सुनाई हुई कई बातें सुनी होंगी, जिसमें बाबा उनको कहते थे कि आपको खेलना नहीं है और बच्चों के साथ नहीं खेलना है। उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं क्यों नहीं खेलूं। तो कहा नहीं, तुम्हारा पार्ट अलग है और तुम इस साधारण तरीके से नहीं खेल सकते हो। उनको बाबा जैसे अलग रखता था, क्योंकि बाबा का पार्ट उनके द्वारा होना था। तो जैसे कि एक 9 वर्ष की आयु में उनको साक्षात्कार हुए, उसके बाद भी वो, क्योंकि देखो एक होता है कि हमें इच्छा हो कि हमें साक्षात्कार हो, जो कईयों को होगा, सभी को होगा शायद, राइट? कौन कौन साक्षात्कार करना चाहते हैं, कौन नहीं करना चाहते हैं? सभी को कभी कभी होता है कि चलो थोड़ा सूक्ष्म वतन को देखें। लेकिन एक होता है कि बाबा की तरफ से आपको जो पार्ट मिले, तो दादी गुलजार जी को बाबा की तरफ से जो देन थी दिव्य दृष्टि की, तो बाबा ने जैसे उनकी पालना ही अलग तरीके से की। अब दो बातें होती हैं कि बाबा से मुझे क्या मिलता है और ड्रामानुसार मेरा क्या पार्ट है, दो बातें हैं ना, बाबा क्या चाहता है या बाबा मेरा पार्ट जानता है, और मेरे को भी ड्रामानुसार अपना पार्ट समझ में आने लगता है, तो हम क्या करते हैं? उसी सहारे तो नहीं रहते ना सिर्फ, फिर हम अपना पुरुषार्थ डिफाइन, मतलब कि मुझे किस प्रकार का पुरुषार्थ करना है। तो दादी गुलजार जी ने जब अपने पार्ट की, उनको ज्यादा से ज्यादा ऐसा लगा कि ये मेरा पार्ट है, तो उन्होंने अपना पुरुषार्थ, जिसमें दो बातें विशेष है, ऐसे तो ब्राह्मण जीवन का जो आधार है, ब्राह्मण जीवन की जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वो चारों सब्जेक्ट्स के आधार पर है। आज हम सब आराम से बैठे हैं, कुर्सी की चार टांगे हैं, लेग्स हैं, तो सिक्योर है ना, हम लोग स्टेबल हैं। तो जब उनको ये सच लक्ष्य मिला, आज देखो बहुतों की जीवन सेवा से शुरू होती है, वो भी अच्छा है, लेकिन उस समय पर इस तरह की सेवा सेवा थी, भाषण भी करते थे, एग्जीबिशन भी होती थी, वीआईपी से भी मिलते थे, लेकिन सबसे पहले बाबा के जो महावाक्य हैं वो सुनने तक नहीं, समझने तक नहीं, लेकिन वो मेरा स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो,
जैसे हमारी मामा है, हम जानते हैं मामा ने या ब्रह्मा बाबा ने भी, शिव बाबा ने उनसे अलग तो बात नहीं करता था। आप लोगों को ध्यान में आए कि बाबा, शिव बाबा अलग से ब्रह्मा बाबा को नहीं पढ़ाते थे। कैसे पढ़ाते थे? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं और ब्रह्मा बाबा सुनते हैं। ब्रह्मा बाबा भी हमारी तरह से सुनते थे, लेकिन उन्होंने जो बाबा को पहचाना और ज्ञान की समझ, और साथ में उन्होंने जो शुरू से लेके एक हम सबके सामने ऐसा उदाहरण, मैं तो आपको ये बताऊं कि मैं दिन में पता नहीं कितनी बार सिर्फ बाबा को ही सामने लाके, बाबा की क्या स्थिति थी, बाबा क्या करते थे, बाबा ने हमें कैसे दिया, रात दिन बस वही सामने रख कर आज हम लोग इतने वर्ष से विदेश सेवा में कि फॉलो फादर। परंतु बाबा ने कैसे फॉलो किया? तो दादी गुलजार जी और अन्य दादी हैं, उन्होंने अपने न केवल लक्ष्य लिया जीवन में, वो तो हम सभी के पास लक्ष्य है, लेकिन जैसे प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से उन्होंने उसकी धारणा की, उसके स्वरूप बने, तो ये जो उनका पर्सनल एफर्ट होता है, व्यक्तिगत पुरुषार्थ होता है, तो उन्होंने फिर ज्ञान को योग में परिवर्तन किया, अर्थात बाबा से मेरा संबंध। एक बार हमने मामा से पूछा, आप कितना याद करती है, कितना शिव बाबा को, कितना ब्रह्मा बाबा को? बोला, मैं तो ये सोचती नहीं कि कितना किसको, कितना याद करती हो। कहा, बहुत मीठे रूप से कहती है, ये पूछो कि भूलती कितनी हूं मैं। मुझे अभी तक भी मामा के वो शब्द गूंजते हैं कि ये पूछो मैं भूलती कितनी हूं बाबा को। तो वो उनकी जो स्मृति थी, बाबा की याद थी, उसमें कोई प्रयास, कोई मेहनत नहीं थी, अटेंशन की भी जरूरत नहीं थी। एक सेकंड के लिए हम सभी सोचे, आप सभी हर किसी न किसी प्रकार से प्रवृत्ति में रहते या सेवा केंद्र में रहते, सेवा करते हैं, सेवा के निमित्त है आप, पर किसकी सेवा है? तो हमको दीदी मनमोहिनी सिखाती थी कि बाबा ने ऐसा कहा, तो योग याद भी आई ना, बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने किया, बाबा ने सिखाया, मैं बाबा की सेवा पर हूं। तो जब सभी आते हैं बाबा के पास, हमारे विदेशी भाई बहन भी जब आए, ये घर भी बाबा का, ये भी बाबा का है, बाबा बाबा कहते कहते योग लग जाता। तो बाबा ने, किसी कोई कहता है ना, बाबा मुझे आपकी इतना मेरा याद का चार्ट जैसा होना चाहिए, नहीं है तो आप किसकी सेवा पर है? बाबा की सेवा बिना बाबा की याद के क्या कहेंगे उसको? तो जैसे उन्होंने योग को इस तरह से, ठीक है, उन दिनों में निष्ठा कहते थे, बैठते थे, बठियां चलती थी, जब पार्टीशन हुआ तो रात दिन बाबा कहता था, दही अभिमानी होके, विदेही होके बाबा की याद में बैठो, कोई कुछ नहीं कर सकता आपको, टच तो क्या करेगा, देख भी नहीं सकते। तो जैसे एक याद को उन्होंने, जो भी दादी थी, दादी गुलजार को, उन्होंने याद और ज्ञान को, योग को अलग नहीं किया, परंतु ज्ञान समझते समझते निरंतर कैसे याद में रहे,
और धारणा पर तो इतना टेंशन था, मुझे याद है कि हमारी दादी उठने बैठने चलने बोलने खाने हर बात में हम लोगों को दो शब्द भी बोलते थे कभी, जिसमें किसी तरह का किसी को उलह ना देना होता है ना, कि आपने तो कहा था हम ये करेंगे आपने तो किया नहीं। दीदी कहती थी देवी हो ना, आपने तो कोई आशीर्वाद तो दी नहीं, आपके बोल तो वरदान ही बोलो नहीं चाहिए, तब सिखाती थी हमको। आज इतनी बड़ी डिक्शनरी है, ब्राह्मणों की डिक्शनरी तो थोड़े ही पेजेस की है, ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं बोल सकते, ये भी नहीं कर सकते। तो हम लोग तो अभी कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या कर सकते हैं। तो हर हर बात में मैं कहती हूँ दो शब्द भी कभी ऐसे बोलते थे तो रात को दीदी कहती थी कि नहीं ये वरदान ही बोल नहीं है, ये तो आज हम शुभ भावना शुभ कामना। लेकिन हमारे ईश्वर की संतान वरदान ही बोल बोलने चाहिए ना। तो दादी गुलजार जी के जीवन में उनकी जो दिव्य मूर्ति थी उसमें दिव्य गुण बहुत बहुत, दादी का शांत स्वभाव था, मुस्कुराती थी बोलती बहुत कम थी। तो हमारे पास में सबसे पहले जो सबसे दूर देश था गयाना, लंदन से करीब 10 घंटे की फ्लाइट है, तो बाबा की तरफ से इशारा मिला तो मैं वहां पर गई। तो हमारे पास दीदी मनमोहिनी आई, रमेश भाई आए, फिर दादी प्रकाशमणि जी आई, फिर दादी गुलजार जी आई। वो 8 दिन थी, छोटा सा अच्छा मकान था, 3 बेडरूम, 8 दिन। फिर दादी ने उन दिनों में ही गयाना में 8 दिन का 7 दिन का कोर्स कराया। दादी जी ने कोर्स कराया आत्मा परमात्मा, हम लोग सभी जितने भी वहां पुराने भाई बहन थे हम थे सब बैठते थे। तो जिसको नम्रता कहते हैं, देखिए सबसे बड़ी नम्रता की निशानी है दूसरों को सम्मान देना। वो इतने सम्मान से बात करती थी, कोई भी हो छोटा बड़ा, कोई ऊंच नीच तेज, उनमें समानता की दृष्टि थी। वो नम्रता की निशानी होती है, नहीं तो इसको मैं क्यों आप कहूं, इसको मैं तू तुम आप ये सब हो जाता है। नम्रता और मधुरता, दादी गुलजार जी में सब विशेषताएं थी, आप लिस्ट बनाई है, लेकिन दादी गुलजार जी ने कभी भोजन नहीं बनाया था। कई कारण होंगे उसके, जैसे हम सब आते हैं ज्ञान में तो पहले पहले भोजन बनाना सीखते, मुझे भी बिल्कुल नहीं आता था। तो दादी जानकी आप सेवा पे जाएंगे तो 6 महीने तो किसी के हाथ का खाएंगे नहीं, तो आप क्या खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है हम सीखते हैं, दाल सब्जी रोटी थोड़ी सीखे। तो दादी गुलजार मेरे साथ हम 3 महीने जहां जहां सेंटर थे हम दोनों ने ट्रेवल किया। तो अभी मैक्सिको में गए तो उनका खाना अलग तरह से होता है, तो मैंने कहा नहीं दादी आपको जो खाना हो मैं बनाऊंगी। तो जब भी मैं भोजन बनाने जाती थी साथ में खड़ी रहती थी, तो जैसे परोंठा बेल दिया फिर वो क्या बोलते हैं सेक देती थी परोंठे को, खड़ी रहेंगी जब तक अच्छा मैंने सब्जी ढाली तो सब्जी घुमाएंगी। मैंने इसलिए ये सब सुना रही हूं कि दादी ने कैसे थोड़ा सा उनकी नम्रता को देखे।
कई दिन से आप लोग दादी गुलजार जी के बारे में सुन रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें, पर मेरा उनके साथ जो सातवीं सेवा हम लोगों ने आरंभ की उसके अनुभव इसलिए सुना रही हूँ कि वो शायद कईयों के पास होगी, पर कैसे बालकाल से और दादी गुलजार जी के साथ हमने सारा ट्रेवल किया, बहुत नए नए सेंटर थे। तो कहने का भाव ये है कि एक कर्म करते हुए जो अलौकिकता थी दादी में, तो सबसे बड़ी बात कोई भी परिस्थिति आती थी तो चुप रहो, चुप रहो मतलब एक बार उस प्रोग्राम में चेंज हुई तो टिकट चेंज करानी है, डेट चेंज करानी है, तो हम लोग तो उन दिनों में हम ही करते थे सब कुछ। तो मैं कहीं भी जाती थी, मैं क्या बैठ के करूंगी, मुझे भी ले चलो। दादी क्या करेंगे आप, वो एजेंट के पास जा रहे हैं, ट्रेवल एजेंट, नहीं मैं भी चलूंगी। अच्छा चलो। तो दादी ऐसे, दादी जानकी का भी ऐसा ही था लंदन में, मेरे को भी ले चलो, मेरे को भी। दादी आप लोग कैसे जाएंगे वहां, नहीं हम भी जाएंगे, क्या बैठेंगे, नहीं हम भी चलेंगे। तो बैठे
तो मैं बात कर रही हूँ एजेंट के साथ, तो दादी ऐसे कुर्सी पर बैठी हैं। तो कई बार हम उस समय ये सोचते थे कि इन लोगों को ये पता नहीं है कि परिस्थिति हमारे सामने आती है, प्लेन की टिकट चेंज करानी है, कभी ये हुआ वो हुआ, तो हम ऐसा मन में मन कहती थी उनको तो क्या इन बातों का, वो तो किया नहीं है। लेकिन जैसे कल भाई साहब बता रहे थे कि वो मनसा सेवा कर रही होती थी कि ये जो कर रही है इसका काम बन जाए। मनसा सेवा ये नहीं कि सिर्फ मैं सकाश दे रही हूँ, किरणें दे रही हूँ, पर जहां भी बाबा का कार्य हो रहा है सफल हो, कोई वाणी से बोल रहा है, कोई कर्म से कर रहा है, मेरा पार्ट मैं मनसा से करूं। वो बात मुझे जब समझ में आई कि मैंने कहा मैं सोचती हूँ इनको पता नहीं है, पर उनको जरूरत भी नहीं पता करने की, पर उनको ये पता है कि ये काम मोहिनी कर रही है, हो जाना चाहिए और हो जाता था। मुझे साइलेंस और मनसा सेवा की आज समझ सारी। दादी गुलजार जी का जैसे चुप क्यों बैठी रहती है, पर वो चुप होती है पर कुछ कर रही होती है। ये रियलाइजेशन जितनी मुझे होती गई, मेरा भी स्वभाव से मैं बहुत कम बात करती हूँ और सुनने का तो मुझे, क्योंकि एक कहानी के छह भाग होते हैं, या तो आप छह सुनो या तो सुनते हुए भी बाबा आप सुनो, तो आपको सबको मालूम है, मतलब ओपन नहीं होता है, लेकिन जैसे समाचार कोई विशेष सुनाना होता है तो अभी एक बाप दादा के सामने तो टाइम नहीं होता ना, तो वो एक दिन पहले जो जो ऐसे होते हैं उनको बुला करके आप सुनाओ। अब दादी गुलजार को सुना रहे हैं किस भाव से कि बाबा सुन रहे हैं, या ये बाबा को सुना देंगे। ये इतनी बड़ी प्रैक्टिस है, हम लोग थोड़ा सा रोज अपने लिए होमवर्क लेते हैं, तो आज हमारा सवेरे दादी गुलजार के एक एक गुण पढ़ लेते हैं, तो आज था वो हमेशा कहती थी नो प्रॉब्लम, कुछ भी हम कहते दादी ये कैसे होगा, नो प्रॉब्लम। तो हम ये सोचते थे इनके लिए तो प्रॉब्लम नहीं ना, सॉल्व तो हमें करना है, तो आज हमारा सवेरे से था नो प्रॉब्लम का। इतना अच्छा कि अगर मेरी स्वस्थिति अच्छी है और मैं कोई बात सुनती हूँ तो मन से ठीक हो जाएगा। मन में असंतुष्टि है, कोई बात है, कोई प्रश्न है, तो क्या निकलेगा, ये तो बहुत मुश्किल है, असंभव है। जैसे बाबा कहते थे नथिंग न्यू, जब नथिंग न्यू कहोगे इसका मतलब स्थिति ठीक है। तो हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी बात सुननी है देखनी है, अगर ठीक से स्वस्थिति बनाई हुई है आपने कि मुझे साक्षी होके देखना है ड्रामा, आपने ये स्वस्थिति बनाई हुई है, तो जो आप सीन देख रहे हैं वो सीन देखते हुए भी आपको सत्यता क्या है और वास्तविकता क्या है, निर्णय क्या कर रहा है, वो बाबा की तरफ से आपको मिलेगा, बुद्धि स्पष्ट होगी। समझ रहे कि वो परिस्थिति बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, और वो परिस्थिति अगर हम स्वस्थिति, मैं तो जो कोई भी बोलता है मैंने दादी गुलजार से सीखा, बाबा सुन रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, बाबा को करना है, कर्मों का हिसाब किताब है, संगम युग चल रहा है, कभी इधर की तरफ कभी उधर की तरफ स्थितियां चलती रहती है, हम लोग कब तक ऐसे करेंगे अपने को, ऊपर नीचे इधर उधर नहीं। तो जैसे बाबा को जब बीच में रखते हैं ना, कोई भी आता कुछ कहती है बाबा आप सुन रहे हैं, आप इनको जो
निर्णय करने आप दीजिए, इनको करिए, हम आपको सहयोग देंगे और हम भी साक्षी होकर देखेंगे। तो बाबा को जैसे हम, क्योंकि किसी भी आत्माओं के कितने कितने तरह के हिसाब किताब होते हैं, दो आत्माओं का आपस में कुछ हो जाता है, मेरा तो दोनों से ठीक है तो मैं क्यों कहूंगी ये ठीक है ये। तो एक बार बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, या दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है। तो मैं कहती हूँ, मैं ये देखती हूँ दोनों राइट है, तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये राइट है ये रॉन्ग है। तो कहने का मतलब कि दादी गुलजार जी से हमने चुप रहकर साइलेंस में बाबा के साथ हरेक का साथी सहयोगी मन ईश्वरी कार्य को करते कराते रहे, बहुत सारी बातें हैं। ये पहला चैप्टर है। जैसे जैसे दादी गुलजार जी का दूसरा पार्ट शुरू हुआ, तो इसमें क्या है, एक तो उन्होंने अपने पुरुषार्थ को पूरी तरह समझा। जैसे नहीं ब्रह्मा बाबा कहते हैं, कई समझते हैं मुझे कमीशन तो मिलता है, मुझे किराया भी मिलता है, लेकिन सिर्फ उसी पर नहीं मैं वर्ष वारिस बन रहा नारायण बनता हूँ, मेरी अपनी भी कमाई है, मैं भी बाबा को याद करने की अटेंशन रखता हूँ। तो ऐसे दादी गुलजार जी के कई बहुत अच्छे अच्छे बातें अंदर में हम देखते थे। फिर लक्ष्य रखा कि हम लोग भी जितना साइलेंस से, ब्रह्मा बाबा की तो आपको बहुत कहानियां हैं कि उन्होंने कैसे साइलेंस और योग बल से अपने 300 बच्चों को संभाला, कितने विघ्न आए, कितनी ऑपोजिशन हुई। ऐसे ही हमारी दादियों ने भी किया, दादी गुलजार जी का। बाबा अव्यक्त हुए, पहला संदेश हम लोग 1969 की, आप जनवरी की मुरलियां पढ़िए, हम लोग कई बार पढ़ते हैं क्योंकि उससे आपको पूरा स्पष्ट होता है कि वो जो नया चैप्टर खुला अव्यक्त बाप दादा का, संदेश कैसे आएगा, मुरली रिवाइज करनी है, मधुबन, यू नो, इस तरह से बिल्कुल जो हमारे हम सबके लिए श्रीमत कहे, मार्गदर्शन कहे। तो 69 की मुरली में जब पहले पहले बाबा भोग लगा, फिर बाबा आए, तो बहुत प्रश्न थे, मुरली का क्या होगा, इसका क्या होगा, कैसे होगा। बाबा ने 1 2 3 4, इसलिए अभी तक भी लोग मुझे पूछते हैं क्या होगा, मैंने कहा बाबा बताएगा। कई हमसे बताए फिर क्या होगा, मैंने कहा बाबा बताएगा। बाबा ने बताया था ना उस टाइम भी, अभी भी बताएगा और बता भी रहा है शायद, हम लोग समझ रहे। तो दादी जी ने क्योंकि अपने पुरुषार्थ से वो स्वरूप बनाए रखा, अव्यक्त बाप दादा का एक दादी जी के रथ से में आना, अगर उन दोनों की कोई मैच नहीं होती ना तो नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्होंने अपनी स्थिति को ऐसा बनाया। बाबा ने कहा ना, उनकी मनसा, उनकी संकल्प शक्ति इतनी जमा थी कि उनकी एकाग्रता को, निसंकल्प स्थिति को अव्यक्त बाप दादा 13 घंटे के लिए इस रथ के द्वारा सेवा करा सकते। 13 घंटे बाबा होते थे, हम लोग भी सारी रात बैठते थे, थोड़ा चाय पीने जाते थे, फिर आ जाते। तो वो दादी गुलजार कई बार ना, वो अपना हिस्ट्री हॉल के बाहर बेंच बनी हुई है, वहां एक तरफ बाहर बेंचेस हैं, कोर्ट यार्ड बोलते हैं, जहाँ हमारी दादी प्रकाशमणि बैठती थी, हम सब बैठते थे, पर दादी गुलजार हमेशा इधर की बेंच पे बैठती थी। तो कई डबल फॉरेनर्स बंद हम लोग आते थे तो ऐसे ही दादी के सामने जाके खड़े होते, दादी आपसे तो बाबा का ही अनुभव होता है। तो हंसती थी, कहती मिलने किससे आते हो, हमने कहा दादी गुलजार से मिलने आए हैं। पर हंस के कहती थी नहीं, आप लोग
की भावना यही है कि बाबा की दृष्टि मिले तो मेरे को तैयार रहना पड़ता है कि बाबा दृष्टि दे आप लोगों को। तो कहने का मतलब कि उनके स्वरूप में अव्यक्ति स्वरूप और अव्यक्त बाप दादा जब आते थे उनमें फर्क नहीं दिखाई पड़ता। जरा सा सोचिए कि अव्यक्त बाप दादा का स्वरूप और दादी गुलजार जी का स्वरूप थोड़ा आंखों में फर्क था, ये था जैसे अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो मेरी पहचान जब बाबा बुलाते हैं तो जब मैंने साकार में बाबा को देखा शिव बाबा को और अभी मैं मुझे कोई फर्क नहीं देखता है। अभी अव्यक्त बाप दादा है तब उस समय सिर्फ शिव, क्योंकि उनकी जो नैन है और नैनों में उनका जो बोल वो हमसे देख के कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सेम है। बीच में एक लौकिक एग्जाम्पल सुनाती हूँ, आप सबको मालूम होगा कईयों को, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जैसे माइक्रोसॉफ्ट है ऐसी ऐसी कंपनीज, तो अगर उनका कोई भी एम्प्लॉय हिंदी में क्या बोलेंगे जो भी काम करने वाले हैं तो वो $5,000 देना चाहते हैं किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए, वो उनको एनकरेज करते हैं तो उनको मैचिंग 5,000 उसी संस्था को वो भेजेंगे तो 10 हो जाता है, मैचिंग बोलते हैं। तो मैं भी सब कहती हूँ दादी जान दादी गुलजार जी की मैचिंग थी बाबा के साथ। हम सभी को एक एक को वास्तव में बाबा की संतान है, हम इंस्ट्रूमेंट है, हम मैसेंजर है। तो इसमें देखो योग हम सभी लगाते हैं और प्राप्तियां भी होती हैं। योग भी लगाते हैं और प्राप्तियां भी होती है, परंतु पता कैसे चले कि कितनी प्राप्ति होती है वो हमारे दातापन से होती है। आप बेहद में कितने हैं, आप में जनरोसिटी कितनी है, आप यानी जो हमारी प्राप्तियां हैं उन प्राप्तियों से बाबा ने मुझे दिया वो मैं शेयर कर रही हूं, मैं नहीं शेयर कर रही, बाबा ने जो मुझे दिया। तो दादियों का जो प्यार था वो उनका सिर्फ प्यार नहीं था, बाबा का प्यार था। जैसे ब्रह्मा बाबा का प्यार शिव बाबा का भी प्यार था, इसलिए बाबा जाते समय क्या कहते थे, न याद रहो न विस्मर बाबा। उन दिनों में रमेश भाई मैं हम लोग सभी छोटे छोटे थे, बाबा भूलेंगे तो नहीं, कहते याद थोड़ी करूंगा तुमको करूंगा तो शिव बाबा को कैसे करूंगा। तब बाबा हमेशा कहते हैं याद कर देते हुए न याद रहो न विस्मरो। ये स्थिति है न्यारे प्यारे पन की, इतना प्यार बाबा देता था, इतनी प्यार दादी गुलजार में था, परंतु मेरा प्यार बाद में है आत्मिक रूप से आप सभी से, पहले है परमात्मा का जो मैंने प्यार श्रेय लिया। वो सबको जब देते हैं और फिर ऑफ कोर्स सब आत्माएं हैं, भाई भाई हैं, सबसे बड़ी बात तो हम सह यात्री हैं, एक ही शिप में बैठे हुए हैं सारे जा रहे, तो सह यात्रियों को सहयोग तो देना ही होता है ना, एक ही हमारा मिशन है, एक ही मैसेज है। तो श्रेय तो ईश्वरी श्रेय होना चाहिए, पर परमात्मा श्रेय जो बाबा से हमें मिला है। तो एक हमारे पास अमेरिकन बहन आई बहुत साल पहले की बात, तो हम सबका तो देखो स्वभाव ही है, मुस्कुराते हैं, स्नेह देते हैं, एक नेचुरल शांत स्वरूप है, तो वो तो बिल्कुल फर्क एक मिनट में ही पता लगता है। तो एक दिन वो यही कहने लगी कि आप लोग प्यार भी बहुत देते हो पर आप लोग प्यारे बहुत रहते हो। तो कहती है क्योंकि वो बता रही है आप अपना प्यार नहीं दे रहे, आप ईश्वर का प्यार दे रहे हो इसलिए आप प्यारे रह पाते। वो बात मेरे बुद्धि में आई, मैंने कहा बात तो ठीक ही है,
मुझे जो बाबा ने दिया, कई लोग मुझे कहते हैं, मैं पूछती हूँ अच्छा ये कैसे हुआ, आपको इन बातों में जाने की क्या जरूरत है। मैंने कहा ब्रह्मा बाबा मेरे से पूछता था ट्रेवल के लिए खाना लिया है, इसको कौन सी कार में कौन ले जा रहा है, इसको कौन ले जा रहा है अपनी ट्रेन स्टेशन तक, बाबा पूछता था। तो बाबा ने हमारी केयर की ना, जिसको केयर शब्द कहते हैं। तो हमारी नेचर बन गई, क्योंकि हमको जो मिला हम और कोई स्टाइल तो लेंगे नहीं ना, बाबा ने जो दिया वो हम वही कर रहे हैं, वही करते रहेंगे एंड तक। दोनों तरह से, चाहे वो स्वस्थिति बनाने में, चाहे कर्म योगी व्यवहारिक रूप से सेवा संबंध में। तो ये जो दादी गुलजार जी ने अपनी सम स्थिति बनाई, जिसको बाबा कहते हैं संघ का रंग, तो हम सभी सोचें थोड़ा सा इस बात पर कि मेरा कुछ भी करना, चाहे सेवा है, संबंध है, मैं ये नहीं कह सकती 100%, पर मेरे दिल में हमेशा किसी से भी मैं एक बार मिल लेती हूँ, मेरे अंदर में जैसे स्नेह की भावना उस आत्मा के प्रति सदा ही बनी रहती। फिर कोई कुछ भी कर्मों के हिसाब से कहो, उनका पाठ कहो, उसमें बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन आत्मा तो आत्मा है, अनादि स्वरूप में ही उसको देखो। तो ये जो अव्यक्त बाप दादा के साथ साथ जो अव्यक्त बनने की यात्रा है दादी गुलजार जी ने की, वो हम सबके लिए उदाहरण है। ये नहीं कि चलो अव्यक्त बाप दादा आते हैं, सबको मेरे में बहुत भावना है, आपको मालूम है कि दूसरे दिन वो मुरली जो चली हुई थी बाबा की, उस पर स्टडी करती हैं। हम लोग बैठते थे जाके, दादी कहती है बाबा ने ये बात अच्छी कही, आप लोग भी सुनाओ। तो जैसे स्टडी करती थी, हम लोग से ज्ञान की चर्चा करती थी बैठ के दूसरे दिन, क्योंकि वो कहती थी कि मैं साइलेंस पे रहती हूँ, तो आप लोगों ने तो मुरली सुनी। तो वो पढ़ती थी, हम में से कोई पढ़ता था, फिर सुनती थी, फिर लेन देन। तो फरिश्ता बनना, अव्यक्त बनना, इसकी जो यात्रा है वो अव्यक्त बाप दादा के संग से। हम लोग सभी अव्यक्त मुरली 89-90 की रिवीजन कर रहे हैं। वेद शास्त्र तो क्या कोई भी कोई बड़े से बड़ी कोई महान पुस्तक भी हो, परंतु हर मुरली में जिसको भेद कहते हैं ना, मतलब कि सीक्रेट्स, हर मुरली अव्यक्त। उन दिनों में हम लोगों के बारे में बाबा कई प्रोजेक्ट्स हम करते थे, सर्व सहयोग से सुख में संसार, मिलियन मिनट्स, ये सब यूएन के कनेक्टेड। तो बाबा उन दिनों में हम जब सामने आते थे तो कुछ बातें बाबा कहते थे। देखिए आप और हम सबके पास इस समय एक ही बात बन रही है, मेरे को और कोई भी बहुत कुछ करते कराना भी है बाबा ने, पर मुझे आज मैं इस समय शरीर छोड़ू तो मेरी संपन्न संपूर्ण स्थिति हो, और कोई मुझे संकल्प हो, मैं सबको यही कहती हूँ। ये कहते हैं क्या पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए बाबा के पास आए थे, और वो लक्ष्य और मंजिल तक पहुंचे नहीं। ठीक है, सेवा सेवा तो बाबा सेवा की ना कभी कमी है ना होगी। एक होता है मेरी, मुझे क्या सेवा करनी है, एक होता है दूसरा बाबा मुझे निमित्त बना के क्या कराना चाहते हैं। हमने तो कभी सेवा न अपनी प्लानिंग से की है, बाबा ने मुझे जो निमित्त बना के सेवा करनी करानी, मुझे सिर्फ योग्य बनना है, चाहे वो पवित्रता है, चाहे याद है, चाहे मेरा चार्ट है, चाहे मेरा संबंध व्यवहार है। तो मैं दादी गुलजार जी की जो अव्यक्त बाप दादा के आने के बाद की यात्रा है, आप सभी देखो बाबा के प्यारे हैं,
धरी गुलजार के समीप होंगे, पर मैं उस समीपता का लाभ जो मुझे भाग्य से मिला वो यही देखती रहती थी कि वो कैसे यात्रा कर रही है। आप समझते, 3 वर्ष तक दादी गुलजार बॉम्बे में थी तो क्या वो शरीर नहीं छोड़ सकती थी? 3 दिन तक पहले भी नीलू बहन का फोन आया, बहुत बात करती थी वो मेरे से कि आप बाबा से पूछो ना। मैंने कहा, बाबा ने कहा दादी बताएगी। तो वो लास्ट मिनट तक भी यज्ञ की सेवा के निमित्त थी। लास्ट मिनट तक भी यज्ञ की सेवा के निमित्त थी। जैसे हमारी दादी जान कहती, मैं कर्मातीत होके जाऊंगी नहीं, कर्मातीत मैं बन रही हूं, मुझे कर्मातीत स्थिति से सेवा करनी है। सबके पास एक ही लक्ष्य है, हम सबके पास, लेकिन थोड़ा संतुलन में फर्क पड़ जाता है, बैलेंस में पड़। हमारी कमाई होती है सेवा से, पर स्वस्थिति तो बनानी पड़ेगी अपने पुरुषार्थ से। तो दादी गुलजार जी कैसे धीरे 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 अपनी अव्यक्त स्थिति को फरिश्ता स्वरूप कहिए, तो उनकी जो कल भी भाई साहब ने कई बातें बताई कि गुप्त मनसा साइलेंस की स्थिति, मैं तो इसी में विश्वास करती हूँ। और उसमें अगर आपको कुछ कहना भी है तो जरूरी है तो कहिए। आज हमारे ईश्वरी परिवार को, बाबा के इस यज्ञ को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। कितने भी प्रोग्राम करिए, कितना भी कुछ करिए, लेकिन अंदर में हमारी यात्रा लक्ष्य, हम सब न केवल अव्यक्त बनना है, पर एक बार बाबा ने कहा क्या सत्युग में देवता जाके बनोगे, यहीं से तो बन के जाओगे। तो अपनी दिव्यता, हमारी पवित्रता और दिव्यता, इसलिए दादी गुलजार जी का मैं यही सोच रही थी कि हम जब गए थे 2 साल पहले तो दादी जानकी भी थी, उनको मैं हॉस्पिटल में मिलके गई, दादी गुलजार जी से भी बॉम्बे में मिलके गए, अब हम उनकी स्मृति दिवस पर आए हैं। लेकिन उनकी एक एक शब्द, उनकी पुकार सुनाई पड़ती है, एक एक शब्द उन्होंने कहा कि ये करो, ऐसे करो, मैं तो यही कहूंगी कि अच्छा है सुनने में रुचि रखना, परंतु हम सभी, हमारी पूर्वज दादियां उनके साथ साथ हम भी अभी ईश्वरीय कार्य संपन्न हो, यज्ञ निर्विघ्न रहे, जिस पर दादी गुलजार कहती थी ना कि बाबा भी कहते थे टाइम मत लो। तो एक बार मैंने, एक मुझे दादी दीप से वरदान मिला हुआ था, एक बार मैंने कहा दादी मुझे आपसे कुछ पूछना, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके लिए कोई ऐसे करके वो कभी टाइम नहीं देते थे, साथ रहते थे बस जैसे अलग से रहे। तो हम सभी अपनी स्थिति को, और स्थिति क्या है, अगर आपका लाइन ऑफ क्लियर में कोई विघ्न नहीं है विघ्न बाहर तो बाद में आते हैं ना, पहले तो अंदर आते हैं।
बाबा से हम सबका सच्चा प्यार है। आप में से कईयों ने 30 साल 40 साल 20 साल जिन्होंने अभी यात्रा शुरू की है, और हम सभी अपनी उस संपन्न स्थिति को प्राप्त कर अब एक बाप दादा जो वतन में हैं, मेरा ये सौभाग्य है कि किसी न किसी बात पे भोग लगाओ ये पूछ रहे थे। तो बस बाबा तो हमको यही कहते हैं, बच्चे अभी कार्य तो करो, सेवा तो होनी है, ईश्वरी सेवा है, ईश्वरी याद में है। बाबा ने निमित्त बनाया हम सभी को ऐसे अपने में बाबा से जो पाया हुआ है उससे और आत्माओं को भी संपन्न करते रहे। प्राप्त किए हुए ले के लिए हमारा बाबा जैसे दाता है, हम सभी भी उसी स्वरूप में एक स्वाभाविक याद हम में रहे बाबा की। आपको मालूम होगा कि शुरू शुरू में दीदी मनमोहिनी को कौन कौन जानते हैं, दीदी मनमोहिनी को कई जानते हैं, पता है क्या पूछ, शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है, अगर है तो भी थैंक यू बोलो, नहीं है तो भी थैंक यू बोलो, क्योंकि किसी ने आपको याद दिलाया। आज तो कोई किससे पूछता ही नहीं शिव बाबा याद है, पूछता है, पूछे तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। ये दादियों की रूढ़ आंती हम लोगों के साथ, शिव बाबा याद है, ठीक है घर चलना है वो तो तैयारी कर ली है, ऐसे हमारे स्मृति बाबा की। बाबा को आह्वान तो करना पड़ता है ना, व्यक्त रूप में भी करना पड़ता है ना, ब्रह्मा बाबा में भी पहली बार हम आए कहा, अगर आपको याद नहीं होगी तो नहीं आएगा शिव बाबा मिलने, तो आह्वान करते थे, फिर अव्यक्त दादा का आह्वान करते हैं बैठ के, और अभी भी करना होगा। इसे नहीं कि बाबा बाबा कहेगा मेरे को थोड़ी बुलाया तुमने, आपको मैं कई स्टोरीज बताऊं कि कई बार हम लोगों ने प्रोग्राम बनाए और बहुत बड़ी बात आई ठीक हो गई, तो बाबा पहले आप ठीक कर देते, बोला मुझे थोड़ी बुलाया था, मेरा क्या पार्ट रखा था। बाबा को आह्वान करते हैं तभी हम सभी दिल से, दादी गुलजार जी अव्यक्त दादा हमारे सब अजन्य पूर्व दादियों, बहुत प्रेम से हम सभी कुछ मिनटों के लिए याद में बैठेंगे, और उन्होंने जो भी इतने वर्ष इस यज्ञ की पालना हम सब की पालना की, हम सभी भी उसी दृढ़ संकल्प से उस कार्य में व्यस्त रहेंगे। ओम शांति।
है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। है भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। शांत शीतल सादगी वाली शांत शीतल सादगी वाली मीठी मीठी दारी हमारी हो। मीठी मीठी दारी हमारी हो। हे भागीरथी छोटा नंदी तुम सबकी प्राण प्यारी हो। तुम सबकी प्राण प्यारी हो। मीठी मीठी राधे हमारी हो। मीठी मीठी राधे हमारी।